बच्चे लोग अपना होमवर्क पहले आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक के था, उसके आगे का डिस्कस करना है हम लोगों को। क्वेश्चन 7 एनीवन, पहले एक बार ना एटलीस्ट आई एम होपिंग आप लोगों को पता है आपकी बुक से क्वेश्चन और मेरी बुक से क्वेश्चन एटलीस्ट ये पार्ट में सेम थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन, यस 8, यस 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 यस, हाँ यस 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 यस, आई सी अ लॉट ऑफ हैंड्स फॉर 8। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively. B alone, एक सेकंड गाइस, यस क्या दिया हुआ है फिर? B alone is kept open for 1/4 of time and both are kept open for, है ना? Okay, for the remaining time, find the time required for, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी कृति, देख मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू पहले मुझे बता ए और बी का रिस्पेक्टिव टाइम तो दिया हुआ है, अगर खुला रखते तो कितनी देर में भरते थे, ठीक है। अब तेरे को बस ये बताना है कौन कितना टाइम ओपन रहा है एक्स के टर्म्स में, कितना। नहीं नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, उसने ये नहीं दिया कि कौन कितनी देर ओपन है, उसका ये बोलना है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि अगर सिर्फ ए पानी भरना चाहता था तो उसको 20 घंटे लगते, और सिर्फ बी अगर पानी भरना चाहता था तो 16 घंटे लगते थे, ऐसा दिया हुआ है। उसको 20 से 16 ओपन नहीं रखे, ठीक है। मुझे तो ये बता कि सिर्फ और सिर्फ बी अलोन को 1/4 टाइम के लिए पहले ओपन रखा गया है और फिर दोनों को ओपन रखा गया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो तू ए और बी को एक्स के टर्म्स में बता कि कौन कितनी देर शुरू रहा है। ओके गलत। अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या है। हाँ एक मिनट राकेश, यू नो आंसर ना तेरा आया भाई? नहीं वो ठीक है, तुम्हारा आया ठीक है, तेरा आया ना, तो फिर तू ट्राई करना नहीं बोलते, उसको बताना बोलते। हाँ वो यहाँ एक्चुअल में, और ओए सुन, ओए ओए सुन, ओए सुन, इस बार अगर मच्छर काटने से कुछ हुआ तेरे को, हाँ इसलिए और पूरे कपड़े पहना कर तू अभी, ठीक है। सुनो अभी गाइस, बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 टाइम। तो सुनो एक बार के लिए मान लेते हैं भरने के लिए कुछ 100 मिनट लग रहे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बी को 25 मिनट के लिए ओपन रखा गया था एंड बोथ आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम, मतलब बचे हुए 75 मिनट के 75 मिनट्स के लिए दोनों को ओपन रखा गया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अगर पूरा का पूरा मेरा 100 का जो था, तो पहले 25 मिनट्स के लिए जो 1/4 है सिर्फ और सिर्फ बी ओपन है, फिर बचे हुए 75 मिनट्स के लिए बी तो ओपन है ही, साथ ही साथ में ए भी ओपन है, समझा ये चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पूरा टाइम को ये 100 की जगह पे अब मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो बी मेरा एक्स आर्स एक्स मिनट जो भी है उसके लिए ओपन है, और ए मेरा 3/4 ऑफ एक्स के लिए ओपन है, समझा गई थे क्या हुआ है। श्योर कोई इशू किसी को इसमें? गाइस प्लीज़ फट से जिन लोगों को क्वेरी था वो लोग क्वेश्चन नंबर 8 को निपटाएंगे। आप लोग आई होप आपके पास बुक्स है, आप लोग अपनी बुक्स में से देख के करेंगे। रुक जा, ए को कितना देर लग रहा है शायद से, एक एक और 20, बी को 16 दिया गया क्या? हाँ तो देख 3/4 ऑफ एक्स बाय 20 प्लस एक्स बाय 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। वो कहाँ है धनश्री? टू व्हीलर से जाने वाली थी ना, धनश्री को चेक किया किसी ने? निधि धनश्री को चेक किया बच्चा? नहीं आया था। तूने बेटा बुक दे दिया था उसको?
चलिए गाइस हो गया ये यस सॉरी एक्स 10 आ रहा है ठीक है ना, मतलब बी 10 आवर्स चला है और ये 7.5 आवर्स चला है कुछ ऐसा है, 7 आवर्स 30 मिनट्स जो भी, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। क्वेश्चन 9 एनीवन, क्वेश्चन 10 एनीवन, क्वेश्चन 11 10 टू कैसे नाम क्रिश प्लीज वो ना इसके बाद वाले क्वेश्चन का पीडीएफ बना के इनको मेल कर देना एक बार प्लीज, वो दिखाने जैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 13 के बाद वाले जो भी है एक एक ही एक बस वो पेज का बचवे का मेरे पास है। हाँ टेंथ वाला ना बेटा कृति, ये 2 pipes ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तक्के तुझे बात देखो, देयर इज आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक ठीक है। इफ ऑल द 3 pipes आर ओपन टूगेदर इट टुक 40 मिनट। ये तो सिंपल नहीं है, हाँ ये तो सिंपल लग रहा है, सुन देख अच्छा है नहीं क्या 40 मिनट काम किया है सब लोगों ने, तो ए 1 मिनट 1/20 काम करता है तो वो 40 मिनट 40/20 काम कर रहा है, बी 40/60 काम कर रहा है, हाँ माइनस किया है उसको, हाँ तो तूने कुछ सॉल्विंग में गलत किया बस, हाँ वो बता दूंगा वापस से क्या था वो, शायद 40/20 प्लस 40/60 इज इक्वल टू 1। वैसे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कल भी ना मैं जब ये देख रहा था, हाँ नहीं वो ठीक है देख ये कटा 2, ये कटा 2/3। सुनो यहाँ पे ना ये पूरा एलसीएम लेने की जगह, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा ये यहाँ भेज दे, ये यहाँ भेज दे, तेरा वेरिएबल अलग होना शुरू हो जाएगा। 2 + 2/3 - 1 इज इक्वल टू 40/t, 1 + 1/3 = 5/3 इज इक्वल टू 40/t, तो t की वैल्यू 40 × 3/5 1 + 8 = 24 मिनट्स मेरा आंसर आ रहा है, देख लो सही है क्या। हाँ एक सेकंड जैन क्या, हाँ अभी रुक जा थोड़ी देर 15-20 मिनट, हाँ यहाँ तक है ठीक है, एक बार तू फट से कर ले बेटा इसको ठीक। तेरे को 8 बताया ना, वो ठीक है वो देखते रुक जाओ बाद में रहेंगे अपन उस पर। अभी सुन तेरे को क्वेश्चन एक बार पढ़ तू वाला, वो 8 वाला देख क्या दिया हुआ था तेरे को, कि पहले 1/4 time के लिए बी अकेला खुला है, फिर बचे हुए टाइम के लिए दोनों खुले हुए हैं। तो देख अगर ये मान ले 100 मिनट्स का है टाइमलाइन, तो पहले 1/4 यानी 25 मिनट के लिए सिर्फ बी खुला था, फिर बचे हुए 75 मिनट के लिए बी और ए दोनों खुले हुए थे, तो बी पूरा पूरा 100 खुला हुआ था और x सिर्फ 75 खुला हुआ था, मतलब b x खुला हुआ था और a 3/4 ऑफ x खुला हुआ था। हाँ तो वो a को अगर तू x मान रहा है तो ये निकालना x प्लस x by 3 हो जाएगा बच्चों, तो 4x/3 होगा। नहीं दिया वही तो निकालना है, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा तेरा, नहीं x का 1/4 इसे 1/4 ऑफ b, हां जैसे 1/4 b चला ना फिर b, हां 1/4 ऑफ b कितना टाइम चलता है उसका निकालेंगे ना। नहीं समझा मेरे को तेरा क्या बोलना है, जैसे b को 1600 लगते पूरा भरने में, तो उसका 1/4 नहीं चला वो, जितना लगने वाला था दोनों को भरने में, अगर 100 घंटे लगने वाले थे दोनों को मिला के भरने में, तो उसका 1/4 चला है। देख तू अभी ये भूल जा बी कितना अकेले में भर सकता है, ए को कितना टाइम लगता है वो भूल जा, बस तू मान ले दोनों जब साथ में काम करते थे 100 घंटे अगर लगते थे इन लोगों को, तो पहले 1/4 time जो दोनों को मिला के 100 घंटे लगे थे, उसका 1/4 time सिर्फ बी चला है, तो 25 घंटे या 25 मिनट जो भी है, और बचा हुआ टाइम दोनों शुरू हुए, मतलब क्या है पहले 1/4 time वो बी अकेला चल रहा था, फिर उसके बाद में दोनों शुरू हो गए थे, तो बी तो पूरा चला है ना, 100 घंटे या 100 मिनट पूरा देर चला है, और ये जो था पहले 25 मिनट या 25 घंटे नहीं चला, बचा 75 घंटे चला है, मतलब अगर अब इसको x मान लूँ मैं तो ये 1/4 x है पहला वाला, ये 3/4 x है, b पूरा x चल रहा है, a 1/4 x चल रहा है, तो देख सॉरी हाँ सॉरी 3/4 x चल रहा है माय बैड, अगर मैं 1/4 बोल दूँ तो खत्म, 3/4 x
इंटू इसका टाइम है वन अपॉन उसका टाइम प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू वन. ठीक है वो कर लियो. दैट वॉज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th जो अभी कृति को बताया था. 11th में लोगों ने हैंड रेस किया था ये सब कुछ. यस ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 72 मिनट्स मिला के इफ ऑल द थ्री पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स एंड देन सी इज क्लोज्ड इट टुक वन आवर मोर टू फिल द टैंक बाय पाइप ए एंड बी. तो बेसिकली यहाँ पे 60 मिनट्स ज़्यादा लग गए हैं. ठीक है तो देखो जितना मेरे को समझ में आ रहा है अभी का ए बी एंड सी मिल के 72 मिनट्स लगा रहे थे. तो 72 बाय एक्स प्लस 72 बाय वाई प्लस 72 बाय जेड इज इक्वल टू 1. 72 कॉमन निकल के यहाँ भेज दिया अगर मैंने क्योंकि लगने वाली जरूरत इसलिए बोल रहा हूँ मैं. तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय 72. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देर इज कौन सी नीचे आता इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन फॉर 36 मिनट्स एंड सी को फिर बंद कर दिया मैंने. तो बेसिकली सी कितनी देर चल रहा है 36 मिनट्स चल रहा है. तो 36 बाय जेड है तो बचे कुचे को भरने के लिए एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है. ठीक है ना. नहीं तो अब देखो सुनो नहीं एक सेकंड मेरे हिसाब से वो कृष्ण ही बोल रहा है पर एक सेकंड रुक जाओ. हाँ और ये जो तुमने बोला तब मुझे रिलाइज हो कि वो भी हो सकता है. अब एक सेकंड रुक जाओ उसका मतलब समझने दो. नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं कृष्ण अपन दोनों गलत है. देख इंग्लिश पढ़ो उसका. इफ ऑल द थ्री पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स पहले तीनों है फिर सी को बंद कर दिया इसके बाद और एक घंटा लग गया. ओरिजिनली जितना लगने वाला था 72 मिनट्स उससे एक घंटा ज्यादा लगा ऐसा नहीं हुआ है. समझा मुझे पहले 36 मिनट्स जो ओपन है उसके बाद एक घंटा और यानी 60 मिनट्स और मतलब 96 मिनट्स उन लग गया. हाँ ठीक है जो तू कर रहा था मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट वही रहने वाला था. ठीक है 96 बाय एक्स प्लस 96 बाय वाई इज इक्वल टू 1 हो रहा है. यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट वगैरह करना तुम लोगों को आता है. करके दिखाओ इसके आगे कैसे करते हैं. हाँ वो ठीक है करके दिखाओगे. मैं पूछ रहा हूँ देख यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज बिकमिंग 1 अपॉन 72 माइनस 1 अपॉन जेड. ठीक है अब यहाँ से 96 कॉमन निकाला होता तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बचता था जिसकी जगह पे मैं ये डाल रहा हूँ 1 अपॉन 72 माइनस 1 अपॉन जेड. ठीक है और प्लस 36 अपॉन जेड तो बचपन से था ही है इज इक्वल टू 1. लीनियर इक्वेशन एक z के टर्म से बन गई है सॉल्व कर लागेगा. नहीं तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C अगर तो लिख रही है तो बाद में उसका रेसिप्रोकल्स निकालना पड़ेगा वो ध्यान रखना. तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन में वो पार्ट कटा हुआ था क्या. इसने तुम्हारे को पहले बताओ इसको तुम्हारे को लीनियर इक्वेशन पहले टर्म में था ना. हाँ छोड़ो तुम नहीं तुम लोगों से नहीं पाएगा वो अपस्ट्रीम. नहीं वो दूसरे इसमें भी था. नहीं वो क्वाड्रेटिक में था इसलिए मैंने पढ़ाया था वो नहीं पर तुमको याद नहीं रहेगा मुझे पक्का बताया. वो जब आएगा कंसेप्ट अपन कर लेंगे उस चीज़ का. मुझे एक्चुअल में लेट वन अपॉन एक्स बी कैपिटल ए वन अपॉन वाई बी कैपिटल बी वाले जो क्वेश्चन थे तो इस साल से कट ही गए. लास्ट ईयर तो कटे हुए थे ही इस साल से बुक से हटा दी उन लोगों ने. ऐसा है नॉट शॉर्ट अच्छी चीज़ थी बुरी चीज़ थी बट ठीक है. तो तुम लोगों को भी देखा था मुझे था या नहीं था. तुम लोगों को था पर एम सी क्यू वाले में था तो तुमको वैसे ही मैं एक्सपेक्ट नहीं करो ज़्यादा. ये फट से कर लीजिए. क्रिश भेज दिया बेटा मेल कर दिया. मेल किया ना जैन तू को थोड़ा बदर बोर होने वाला है भाई सॉरी. सर तेरे ऊपर है तेरे को मिनट्स में कन्वर्ट करना है या आर्स में. मैं वो तो मैं मिनट्स में करूँगा कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंपलर देन डिवाइडिंग बाय 60 एंड मेकिंग इट इनटू फ्रैक्शंस. ठीक है भाई लोग हो गया है. कोई है जिसे रुकना है. यस वेटिंग करते डिस्कस. ठीक है यार ये तो वैसा वाला ही है. हाँ समझा नहीं ना तेरे को क्या हो रहा है. क्वेश्चन नहीं है बाकी मेरे को पूरा आ गया. तो एक काम करे 5 लीटर ऑफ पानी वानी पर मिनट को भूल जाए एक बार से. ठीक है
तू मुझे ये निकाल के दे दे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आर को मैं ओपन रखूँ, सिर्फ आर को, तो टंकी खाली करने में कितना समय लगने वाला है? नहीं तो ठीक है, तेरा कितना आया आर का मिनट्स? 12th 24 मिनट्स आया है। मतलब इसका क्या हो रहा है, मतलब कि अगर पूरा का पूरा टंकी भरा हुआ था पानी का, तो 24 मिनट्स में आर उसको पूरा खाली कर दिया था। अब एक मिनट में 5 लीटर करता है, 24 मिनट्स में कितना लीटर कर रहा था? ठीक है गाइस, 11th वाला जो जो लोग सॉल्व करें, जैसे ही हो जाएगा प्लीज़ बताइएगा। नहीं आया इसका अभी भी, ये इक्वेशन यहाँ तक क्या पहुँची तेरी? हाँ ये देखा अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया मैंने 96 को, उससे मल्टीप्लाई किया बच्चा मैंने, 96 अपॉन 72 माइनस 96 अपॉन जेड प्लस 36 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। ये 12 से कट रहा है क्या? हाँ 12 कितने था, ये 6 था, ये 7 8 24 से कट रहा था, इन तक 4/3 हो रहा है ये बेटा। ठीक है तो बेसिकली 4/3 और ये हो जा रहा है माइनस 60 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। इधर उधर किया मैंने तो 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन जेड। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 4 माइनस 3 अपॉन 3 मतलब 1 अपॉन 3, ये 60 अपॉन जेड, तो जेड की वैल्यू हो गई 180 मिनट्स। ठीक है कोई इशू किसी को? शुड आई बी वेटिंग फॉर 11th अभी भी? कोई है तो मुझे बोलो, मैं रुकूंगा। यस वेटिंग, काय के मेडिटेशन वाले वो May 10th से मेरा May 21st तक का है, 10 दिन का है ना वो। हो गया बच्चा लोग? एक है ना, मैं उनके लिए रुकाऊँ, हो गया? हाँ यस 12th एनी वन? यस गाइस गाइस एक बार शांत प्लीज, क्या ये 120/60? वन हाँ ठीक है, 120/60 हाँ, माइनस 120/x इक्वल टू 1। ठीक है 1 2 था, आई सपोज ये 1 4 था, ठीक है 6, ये जाएगा 5 इज इक्वल टू 120/x, तो x की वैल्यू आ रही है 24, तो 24 मिनट्स हो गया, एक मिनट में 24 लीटर्स, एक मिनट में 5 लीटर 24 मिनट में, हाँ ठीक है 120 लीटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 12। सर x के लिए 60 आई थी, इक्वेशन ये माना था 120/60 प्लस 120/30 माइनस 120/x इक्वल टू 1। देख तूने 2/60 2 बाई वो तो नहीं किया, देख पहले प्लीज 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 देख बेटा, वो आर्स है और ये मिनट्स है, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर प्लीज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन? यस, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट पाइप फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। ठीक है, द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर। अच्छा हाँ सरीना बेटा, अभी सोच के बोलना, टेक योर टाइम बट सोच के बोलना, ठीक है ना? नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए बोल रहा तुझे, देख मेरे को ये स्टेटमेंट से हेल्प करेगी तू, ये देख जो मैंने मार्क किया है बस,
मेरे को क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। देख मैं देखो देखो हिंट दे दे रहा हूँ। अगर मान ले मैं तुझसे फास्टर हूँ बाय 5 आवर्स, मतलब मुझे तुझसे 5 घंटे कम लगते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा बस ठीक है ना। तो ये देख ये जो स्टेटमेंट है 10 सेकेंड से लेके पाइप तक के का, वो एक बार पढ़ ले मन में और फिर मुझे बता तू किसको एक्स मान रही है, किसको क्या मान रही है, सब कुछ बताओ। चल मैं तेरे लिए लाइफ इजी कर देता हूँ। सेकेंड पाइप को अपन एक्स मान रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का बेटा एक्स माइनस फाइव नहीं है, एक्स प्लस फाइव होगा। ये देख द सेकेंड पाइप 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट पाइप। अगर सेकेंड पाइप, तू हमेशा ये गलत कर रही है बेटा, ध्यान दे। फर्स्ट पाइप कितना हो जाएगा, वो एक्स प्लस फाइव हो जाएगा और थर्ड पाइप करेक्ट। देखो समझेगा सूर्यन में भी। अब देख अब क्या दिया हुआ है, जो पहले दो पाइप को जितना टाइम लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही आखिरी वाले पाइप को लगने वाला है, तीसरे वाले पाइप को। तो पहले दो पाइप को मान लेते हैं टाइम टी लगता है मिला के, तो एक मिनट में पहला वाला पाइप 1/x+5 है, तो टी मिनट्स में t/x+5, और दूसरा वाला वैसे ही t/x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो रहा है, पूरा काम हो गया है। मेरा थर्ड वाला पाइप एक मिनट में 1/x-4 अगर है, तो टी मिनट्स में t/x-4, मतलब पूरा का पूरा काम इसका भी हो गया है। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट किया बेटा मैंने, t/x+5 प्लस t/x इज इक्वल टू t/x-4। लेफ्ट हैंड साइड से भी टी कॉमन निकला, राइट हैंड साइड से भी टी कॉमन निकला, कट गया। तो 1/x+5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x-4। ये तूने तो कॉल की क्या, क्या इसका नाम धनशी को, निधि धनशी को कॉल किया, वो चेक कर लो सो पाए। अच्छा ओके समझाए, कर ले पढ़ा से। अगर फर्स्ट पाइप को तूने अगर एक्स लिया है तो कहते हैं तेरा सेकेंड पाइप उससे 5 बार फास्टर था, तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। बेटा मेरा सेकेंड पाइप को एक्स लग रहा है, सेकेंड पाइप फास्टर है, तो फर्स्ट पाइप स्लोअर है, तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज टाइम बेटा, ठीक है। सुन, अगर फर्स्ट को एक्स माना है तो सेकेंड को एक्स माइनस फाइव हुआ है, थर्ड को एक्स माइनस फाइव प्लस फोर लगेगा, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। वो आर सारे को मिनट्स में गया था, हाँ वो चलता, उसे कोई फर्क नहीं होता था। ये 14, 15, 16, 17 चार ही बचे अपने पास। हाँ बच्चा अपने एग्जाम्पल वाले में टाइम ही लिया था बच्चा, वैसे बच्चा देख वहाँ पे ना डबल दिया था स्पीड, तो टाइम हाफ हो रहा था, तो अगर एक 2x से दूसरा x बन रहा है वैसा हो रहा था, समझा। दिया अग्रवाल कैन यू हियर मी, यस सर। बेटा आपने पहले के दो सेशंस का वीडियो वीडियो कुछ बाय एनी चांस देखा है क्या, मैंने दिया था क्या? यस सर। अच्छा ओके फिर ठीक है। मिस्टर जैन आप मुझसे दो वीडियोस लोगे, ठीक है ना, वो देख लेना, क्योंकि संडे को उसी के ऊपर टेस्ट है। बच्चा नाम क्या है, आदित्य क्या, नहीं पर रेसेस की जगह पे सिंपलर वाला जो है वो पाइप्स कैसा नाम बोट्स वाला एक है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो वाला कर लेंगे अभी। तुमको रेसेस एंड गेम्स करना है क्या, मेरे को कोई भी हाँ 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 हा। जितना होगा तुम्हारा टिल फ्राइडे उतना आएगा, अब वो तो रैंडम है। हाँ मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन एकदम से आ जाते ना इसके भाई।
सही में है नहीं नहीं इस बार हो जाएंगे, इस बार करने हैं यार, इस बार इसलिए तो 8-8 भी बंद किया हुआ है ना अपन ने अभी, कि अपने को टाइम वो ज़्यादा मिल जाए फैकल्टी, और अपन एक चेकर भी ढूंढ रहे हैं। नहीं अब 8 नहीं बढ़ाऊंगा इस साल से, मैं 8 से दूसरी फैकल्टी ढूंढ रहा हूँ। सही है मैं बस ओह अभी हॉस्पिटल के भी तो जमा करना है ना भाई मेरे को मेरे। हाँ चलो 14th एनीवन? यस सरीना सुन गलत हुआ कोई बात नहीं, तू फ्रस्ट्रेट में तो बेटा, और मैं तेरे को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं चाहता हूँ कि हाँ तू गलती करके सीख ले। देखो पहला स्टेटमेंट छोड़ दे, बस तू इतना सा पढ़ ठीक है ना, कहाँ है सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी, बस खत्म, और चीज़ें नहीं चाहिए मुझे उसमें ठीक है। अब तू मुझे बता किसको कितना टाइम लगा, तेको जिसको एक्स माना है तो उसको एक्स मान, ठीक है अगर b को x मानते हैं तो c का क्या हो रहा है बेटा, c ट्वाइस फास्टर है तो उसको आधा टाइम लगेगा बेटा, देखो मैं ये भी नहीं बोल सकता तेरे को जो इंस्टिंक्ट आता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट किया कर, मालूम पड़ा एग्जाम में सही इंस्टिंक्ट आ गया तेरे को। सुन देख c इज ट्वाइस फास्टर, अगर सी फास्टर है तो टाइम किसको ज्यादा लगने वाला है, सी को या बी को? तो अगर तूने बी को एक्स मानी थी अगर और सी को टू एक्स मानेगी तो तेरा गलत पक्का से हो रहा है ना बच्चा, ये स्पीड नहीं टाइम है, अगर तू इसको एक्स मानी तो ये एक्स बाई टू बन गया होता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब ये एक्स एक्स को पूरा भूल जा ठीक है ना, अब b is twice as fast as a, अब यहाँ पे सोचना है बच्चा अपने को, पहले मुझे बता कौन फास्ट है b या a? ज्यादा फास्ट है तो टाइम किसको ज्यादा लगने वाला है? हाँ तो अब सोच के बोलना बेटा, नहीं नहीं उसको भूल जा, ये स्टेटमेंट को ही भूल जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट से। देखो जिसको अब एक्स मान, परफेक्ट, तो किसको एक्स मानूं तेरे लिए? तो बी कितना होगा तेरे लिए? करेक्ट, समझ में आ गया अब ये? अब देख अब अपन लोग दोनों स्टेटमेंट्स को साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है, किसी को भी तू एक्स मान ले बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो किसको एक्स मानना है तू बोल, वैसे सी या बी में से मान, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट वो है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बस तेरे को, चलो अगर बी का टाइम अगर एक्स है, सी और बी में कौन फास्टर है? सी ज़्यादा फास्टर है, तो टाइम कितना लगेगा उसका? एक्स बाय टू, करेक्ट। अब बी और ए में कौन फास्ट है? बी ज़्यादा फास्टर है, तो ए को कितना टाइम लगने वाला है? ए उसका डबल टाइम पकड़ी, बी फास्ट है ना, टू एक्स, समझा देखो खत्म, फाइन। इसके आगे का तुम लोगों को करना आ जाएगा, क्या है क्वेश्चन के अंदर, हाँ क्वेश्चन कौन सा था, ऊपर है हाँ, मिला के 5 घंटे लग रहे थे, तो 5 बाय x + 5 बाय x + 5 बाय 2 = 1 याद है क्या? ठीक है हाँ क्रिश सॉरी, 3 वेरिएबल मत बोले यार, एंड मैं कर दूंगा पर मत बोल तू, ये देख x y z मानना है, अच्छा ठीक है, तो 5 बाय a + 5 बाय b + 5 बाय c = 1 वो तो सिंपल थी ठीक है। अब सुन c is twice as faster as b, वही तू भी वही गलती किया है बेटा, c faster है, तू c का स्पीड नहीं देख रहा है अभी, तू c का टाइम देख रहा है बच्चा, वो हाईवे वाला जो क्वेश्चन वगैरह था या जो था उसमें स्पीड की बात होती थी, उसमें टाइम की बात होती नहीं थी, अपन टाइम निकालते थे। और अगर तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले की बात कर रहा है अगर, तो याद है उसमें भी ऐसे मार्क करते थे अपन लोग, डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहता था,
ये स्पीड स्पीड लिखते थे, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा तो इसका टाइम ज़्यादा, याद आ रहा है तेरे को? तो वैसे ही हो रहा है ना बच्चा यहाँ पे भी, बच्चे लोग ध्यान मत दो, जो लोग टेंथ में पास किए हुए उनको भी याद नहीं आने वाले वैसे भी, ठीक है? तो देख, तो यहाँ पे सी की स्पीड ज़्यादा तो बी का टाइम ज़्यादा, तो सी को जितना टाइम लगेगा उससे डबल टाइम बी को लगेगा, तो बी इज गोइंग टू बी को शूट टू टाइम्स सी, वैसा हो जाएगा, ठीक है? हाँ एक सेकंड, युग युग, हाँ तू क्या बोलता मेरे भाई, लिख के बताऊँ वापस से, रुक जा। इसने सी को एक्स बोला था या बी को, हाँ इसको एक्स बोला था शायद से, ये बी हो गया था टू एक्स, और नहीं 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 इसने शायद से बी को एक्स बोला था, ये एक्स बाई टू हुआ था उससे और ये टू एक्स हुआ था, ठीक है? तेरे को किसको एक्स मानना, तू वो बोल। तूने ए को एक्स माना है क्या? चल ठीक है। और तुम क्या मस्त टुकुर टुकुर देख रहे हो, निहार रहे हो, पक्का? देख देख उसका हुआ क्या, कम चांस है मेरे को लगता है, मेरे को बहुत कम चांस है उस पर। कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है वे वो। ये देखो अभी तेरा ए को तूने एक्स माना है, सुन अब बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, तो बी को टाइम आधा लगने वाला है। सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो सी को टाइम आधा लगने वाला है बी से, ठीक है? तो देखो पाँच घंटे चले, तो फाइव बाय एक्स बाय फोर प्लस फाइव बाय एक्स बाय टू प्लस फाइव बाय एक्स इज इक्वल टू वन, फेयर इनफ है, पक्का? हाँ बेटा बोलो। और ए फोर एक्स हो जाएगा बेटा, बड़े आगे जा, 15 तो जान दे बच्चा। फिफ्टीन वैसे ही इजी है, बट कोई बात नहीं किसी को डाउट रहा तो। इसमें बस ये ध्यान रखना ये आर्स है और ये मिनट्स है। क्रिश 15 में डाउट है तेरे को? वो देखो आर्स है और नीचे वाला मिनट्स है, बस वो ध्यान रख ले। हाँ वो ठीक है ना, हाँ अपन करेंगे डिस्कस। तो एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 14th एंड वांट्स मी टू वेट 15th डिस्कस करने के पहले? एनीवन 15th हुआ हुआ है, इसका नाम क्या है तेरा? तो रुकूँ मैं, कर दूँ, करूँ 15 शुरू एक बार? हाँ देखो अभी टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 hours एंड 6 hours रिस्पेक्टिवली, द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, बट जितना टाइम लगना चाहिए था उसे 6 मिनट ज़्यादा लग गया। तो कितना लगना चाहिए था पहले वो निकाल लेते अपन लोग। तो मान लो टी आर्स लगना चाहिए था, तो t by 4 plus t by 6 is equals to 1, तो 3t plus 2t by 24, तो t की वैल्यू 24 by 5 यानी 4.8 ना, r ए बाई बाई 12 मचे मेरी बात पहले, तो सॉरी भावुक हो गया अपन। 12 by 5 is 2.4 hours, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है। अब इसमें मुझे 6 मिनट ऐड करने वैसे, ठीक है? तो 6 मिनट का मतलब कहाँ गए? 6 मिनट का मतलब होता है 6 by 60 hours, मतलब 1 by 10 hour। तो मुझे एक्चुअल में टाइम कितना लग गया है? 2.4 प्लस ये, मतलब 25 by 10 hours या 2.5 hours मुझे लगा हुआ है बेसिकली। अब देखो 2.5 hours के लिए बेसिकली सबने वर्क किया था, तो 2.5 hours के लिए वर्क किया पहले वाले ने, दूसरे वाले ने और लीकेज ने, इज इक्वल्स टू वन। ठीक है फाइन, रुक जा। स्टार्टिंग से या कहाँ से? 2.5 को कन्वर्ट किया था ना, तो 150 by 4 जो किया है, 150 by 240, हाँ रुक जा, तो 150 by 240 150 by 360 माइनस
बाय एक्स समझ ले, मैंने टी यहाँ चल, ठीक है वाई मान ले, इज इक्वल टू वन हो गया है तेरे वाई का आंसर जो आ रहा है वो मिनट्स में आएगा अब। अच्छा रुक जा, बोले वापस से वो 150 बाय वाला इक्वेशन जो है अपना, इज इक्वल टू वन था मेरा, थ्री से दोनों कट रहे ना, फाइव ज़ा एट ज़ा फाइव ज़ा ट्वेल्व ज़ा, इधर उधर किया बेटा पहले तो, ठीक है 24 एलसीएम आया, वाई मिनट्स में अभी बताओ तुम्हें, तो 1/24 हो रहा था, तो वाई इक्वल टू 150 इंटू 24 360 जीरो एक और मिनट्स, तो 60 आवर्स आ रहा है वही है। बस कैलकुलेशन गलती हुई होगी, हाँ वो ठीक है, हाँ बताओ कैलकुलेशन गलती हुई होगी बच्चा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो इतने लंबे लंबे आ रहे हो भले, पर उसे गलत नहीं आ सकता कभी ऐसा है। गाइस दैट वाज 15th, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 15th? यस वेटिंग, टू पॉइंट फाइव, हाँ या 5/2 करेक्ट, फाइनल आंसर भी तेरा फिर आर्स में आता था। चेचानी हो जाएगा तो बताना बेटा, क्या बच्चा नहीं वो नहीं नया बनेगा ग्रुप, जो जो रजिस्टर करेंगे, क्या तुम लोग का मीम चल रहा होगा इसमें, हाँ उसको हो गया। चलो 16th एनीवन, 16th एनीवन, यस, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स पी एंड क्यू इन 15 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 24 मिनट्स इफ पाइप आर इज ओपन 6 मिनट्स आफ्टर पी एंड क्यू आर ओपन, तो बताओ टोटल टाइम। तो देखो स्टार्टिंग से, हाँ बोलो, करेक्ट तो है, तो एक्स बाय एक्स एक्स बाय 15 मिल गई गलती, देखो ये देख एक्स है तो वो रहा है कुछ एक्स बाय 15 प्लस एक्स बाय 20 माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 बाय 24 इज इक्वल टू, नहीं 24 नहीं सॉरी, हाँ 24 इज इक्वल टू 1, ठीक है इसे आगे करके दिखाऊं, जितना देर काम किया वो ऊपर रहता है अपॉन जितना टाइम उसको लगता है, देख वो पूरा का पूरा काम कर सकता था 15 मिनट में, तो एक मिनट में 1/15 वर्क कर रहा था, उसने x मिनट्स वर्क किया तो x बाई 15 वर्क किया होगा ना, समझा दी गलती, हाँ क्रिश इससे आगे सॉल्व करके दिखाना है मेरे को, इक्वेशन बता देना बस, बस ना इजी क्वेश्चन, 120 एल सी एम आ रहा है इसका, तो 14x माइनस 5x प्लस 30 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड 120 14x माइनस 5x प्लस बाबा 30 वहाँ पे गया 30 तो 90 तो 9x इक्वल्स टू 90 x इक्वल्स टू 10 हाँ उठ गया, ठीक है किसी को अटेम्प्ट करना है इसको और चाहता है मैं रुकूं, हाँ हाँ बच्चा देख क्योंकि 6 मिनट क्या 6 मिनट के बाद में आउटलेट पाइप को खोला था, तो पूरा काम अगर 1 मिनट चला है जैसे 6 मिनट कम काम किया ना कि 6 मिनट लेट आया था बंदा इसके लिए,
आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड डिस्कसिंग ऑफ होमवर्क कैन बी ड्रेडफुली बोरिंग फॉर दोज हु हैवंट अटेम्प्टेड होमवर्क, बट दोज हु हैव इट विल एक्चुअली हेल्प यू. ठीक है ना. प्लस ऑब्वियसली जो लोग अभी जैसे जैन हो गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिया वगैरह, यानी उसने देख के कितना क्या किया है, येस इट कैन बी रियली बोरिंग, बट अगर ये नहीं करोगे डिस्कस तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. 17th anyone, चलो बढ़ गया. अब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है. मिस्टर जैन, चलिए ध्यान दीजिएगा अभी. हाँ, अब गाइज वैसे आई थिंक आप लोगों को 10th में था ये पार्ट, ठीक है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला. ठीक है, क्या था मैं आपको याद दिला देता हूँ. आप लोगों का कभी अगर बोटिंग के लिए जाओगे तो वॉट विल यू प्रेफर, यानी अगर तुमको मेहनत नहीं करनी है ऑब्वियसली, कि तुम लोगों को नीचे बहना ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऊपर चढ़ाना ज़्यादा आसान रहेगा? नीचे बहना. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत कम लगने वाली है, स्पीड ज़्यादा रहने वाली है. सेम आपस जब आप साइकिलिंग करते हो, चढ़ाव पे चढ़ना या फिर ढलान पे उतरना वाला, तो अभी के लिए बोट में ये समझ लो, अगर एक स्टिल वाटर मतलब फ्लैट वाटर लेक है, ठीक है ना, फ्लैट लेक, उस पर एक इंसान बोटिंग कर रहा है, उसकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x किलोमीटर पर आवर मान के चल लूँ, ठीक है, कि ये उतने से बोटिंग कर सकता है कंटिन्यूसली, फाइन. अब मैं मान लूँ कि मेरे पानी बह रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, जिस स्पीड से पानी बह रहा है वो कुछ y किलोमीटर पर आवर मान लूँ मैं. ठीक है, तो अब देखो, देख अगर मैं फ्लैट पानी यानी कहते लेक के ऊपर बोटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बोटिंग की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो स्ट्रीम अगर बह रहा है, अभी मैं बोटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस जो पानी बह रहा है उसकी है डाउन स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो अगर तू नीचे जा रही है तो तेरी स्पीड ऐड हो जाएगी, कि तू भी आगे जाना चाहती है, पानी भी तेरे को आगे ढकेल रहा है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम जो रहती है मेरी, स्पीड डाउन स्ट्रीम रहती है वो एक्स प्लस वाई हो जाती है, और स्पीड अपस्ट्रीम जो रहती है वो एक्स माइनस वाई हो जाती है. अब तुम्हारी बुक में से यू और वी यूज़ किया है, मेरे को यू और वी जमते नहीं है, ठीक है ना. तो दूसरी बात, उसने बहुत फालतू चीज़ों के लिए भी फॉर्मूला बना बना के दिया है जो मेरे से यूज़ होना करना होता नहीं है. बट कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे एक एवरेज स्पीड है कुछ आएगा, बस वो एक फॉर्मूला है जो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग अगर याद कर लोगे, MCQ में आया तो फ़ायदा, रिटर्न में आया तो भी फ़ायदा, बट रिटर्न में पूछेगा नहीं वाला है क्वेश्चन फिर, और साथ ही साथ में जो तुम लोगों के NPAT वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे अगर आया और वहाँ पे जो मेथड से मैं अगर सिखाऊंगा तुम्हारे को एवरेज स्पीड निकालने वाला पूरा का पूरा, वो करोगे तुम NPAT में फेल हो जाओगे, कि तुम वही क्वेश्चन करते रह जाओगे, 3-4 मिनट लग जाएगा, तुम्हारा पेपर ही खत्म नहीं होगा इसमें. तो अगर तुम लोगों को वो एक अकेला फॉर्मूला याद है तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी वो वाले पैटर्न क्वेश्चन के लिए, पर जब वो आएगा तब अपन देखेंगे. ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ मैं 2-4 क्वेश्चन जैसे अपन पहले भी कर रहे थे 2-4 बताऊंगा मैं, फिर आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे. अ बोट कैन रो अपस्ट्रीम एट ये, डाउनस्ट्रीम एट ये. अब बेटा ये स्पीड अपस्ट्रीम एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दी हुई है. अब देखो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरी, एक्स माइनस वाई होनी चाहिए थी, वो 10 दी हुई है. डाउनस्ट्रीम की कितनी है, एक्स प्लस वाई, 18 दी हुई है. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आता है बच्चे अच्छे उसमें पक्का. दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूंगा तो 2x = 28 डिवाइड बाई 2 किया, x = 14. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़ी माइनस छोटी, तो 2y = 8, y = 4. ठीक है, हाँ सर, 10 किलोमीटर पर आ की स्पीड से मूव कर रही है आगे. हाँ ये ठीक है, ये फालतू का एग्जांपल हो गया है. 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड, नहीं 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 सुन, देख इसमें x की वैल्यू 14 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो खुद की स्पीड उसकी 14 थी नीचे जाने की, पानी भी उसे नीचे धक्का 4 से दे रहा है, तो टोटल मिला के 18 की स्पीड हो गई है. यहाँ पे फिर अगर ऊपर चढ़ते 14 कैसे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट पानी से नीचे फोर्स धक्का, इसलिए वो इफेक्टिवली 10 से चढ़ रही है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएंगे अभी अपन लोग. अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच. सर ये तो कोई बात ही नहीं है फिर तो. देखो अपने को अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई पता है,
डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई पता हुआ है, ठीक है। तुमको देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला याद है, याद रहता है? अगर नहीं रहता है तो मैं जब आई थिंक थर्ड फोर्थ में जब पहली बार आया था, हमको एक काकुली मैम करके थी हमारे स्कूल में, उन्हें एक बताया ट्रिक STD। अब तुमने STD वर्ड सुना है क्या बहुत ज़्यादा? कहाँ सुना है? अबे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, हाँ क्या क्या क्या, हाँ STD ISD PCO हमारे समय बहुत रहते थे, तुम लोगों ने नहीं देखे होगा, आजकल सबका फ़ोन आ गया है, ठीक है ना। अब सुनो ये STD ऐसा ट्राइंगल याद रखने बोले थे हमको। तो अगर स्पीड निकालना है तो डैट इज डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और तब हम लोगों के ट्रांसपोजिशन करने आते नहीं थे वो लीनियर इक्वेशन वाले, तो हमको तीनों याद रखने बोलते थे बच्चे थे हम लोग। अब टाइम अगर बोला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब दोनों एक ही जगह पर, स्पीड इंटू टाइम। बहुत फालतू तरीका है बट ठीक है, वो सेकेंड थर्ड में हमको बहुत फ़ायदा हुआ था इस चीज़ से, ठीक है ना। और तुम ये सोचो मैं सेकेंड थर्ड में कितने साल का होगा, मेरे को नहीं पता कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 8, अच्छा 11। हाँ हाँ, रुक 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 रुक, तो अभी कितने साल का हूँ मैं, 50 है। सुनो अभी तो देखो, अब तुम लोगों ने लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, जो भी तुमको लगाना है। पहले स्केल लगाया मैंने, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम मेरे को डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है मेरी x माइनस वाई, टाइम कितना है मेरा 5, तो बेसिकली x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई। फिर 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 घंटे था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू फिर से 5 आ गई, एंड फिर से 5 यानी x प्लस वाई के लिए 5 आ गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बच्चा अच्छा सॉल्व करना जानता है इसको भी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3, हाँ सॉरी नहीं बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर, जब बंदे को अगर ऊपर जाना है तो उसको 5 घंटे लग रहे थे, और 25 किलोमीटर नीचे आए तो भी 5 घंटे लग रहे थे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट इज 36:5। करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तब देखो अगर मैंने मान लिया रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 36x, क्योंकि 36:5 है ना, और स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम 5x मान लिया, तो अब देखो डाउन स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी 41x हो जाएगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड मेरी 31x हो जाएगी। अब एक समझा बेटा, देख उसने रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेशियो एंड स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखो दिया है 36:5, तो तू एक्स एंड वाई लेता था वो देखो 36:5 के टर्म से पहले दिया हुआ है, तो ये 36A और 5A जैसा ले लूँ इसको मैं। देख अगर मेरा एज और तेरा एज का रेशियो 3:2 अगर है, तो मैं 3A to 2A मानेगा तो भी चल जाएगा ना, राधे मेरे को x तेरे को y, फिर x अपॉन y 3/2 से करने में, तो डायरेक्टली मैं एक ही वेरिएबल में ले आऊँ, क्योंकि रेशियो 36:5 है, तो पहला वाले को 36x या 36A, दूसरे वाले को 5x या 5A लिया हुआ है। देखो इसमें तो रेशियो समझते क्या, नहीं x y होता ही नहीं, वही गलती है तेरी। अगर मान ले A:B दो लोग हैं, उसे रेशो 2:3 अगर दिया हुआ है, तो A बन जाता है 2x और B बन जाता है 3x। क्या कोई ये पता था क्या? हाँ, तो ये ध्यान रख, ठीक है। तभी तो देखना A अपॉन B यानी 2x/3x 2/3 आ रहा है बच्चा उससे, ठीक है। हाँ, और अगर तेरे को ऐसे नहीं मानना जो तू करना चाहता था, उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो तेरे को A को अगर x माने B को अगर y माना है तूने, तो x/y = 2/3 होता है, ये एक रिलेशन बनता है। फिर उससे x = 2y/3 जैसा हो रहा है, वो सब करना पड़ता है, फ्रैक्शन फ्रुक्शन बहुत गंदगी हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ समझ ले तू अभी। तो देख अगर रेशियो 36:5 है, तो 36x और 5x है, ठीक है। अब देखो ये 36x वो 5x वाला चल गया है, डाउन स्ट्रीम 41x हो गया है, अपस्ट्रीम 36-5 है 31x हो चुका है। अब देखो अब बोट कवर्स द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग द करंट इन 5 hours 10 minutes, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको डिस्टेंस पता नहीं है अभी, डिस्टेंस को कुछ भी डी मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो पहले मैं डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, डाउन की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो डिस्टेंस मेरा डी है, करेक्ट। मेरा स्पीड मेरी कितनी दी हुई है अभी के लिए डाउनस्ट्रीम की 41x है। मेरा टाइम कितना है बच्चा लोग उसका 5 hours 10 minutes। इस 5 hours 10 minutes इक्वल टू 5.1 hours? नहीं भाई, ठीक है ना। 5 hours + 10 minutes को 10/60 करना पड़ेगा मुझे, 1/6 तो 31/6 hours हो रहा है,
ठीक है. तो 31/6 आ गया मेरा ये टाइम. मैंने रिलेशन निकाल दिया कुछ भी, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाद में कर लूँगा. यहाँ तक है डाउन का, ठीक है. अब मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. वो पूछ रहा है बताओ कितने टाइम में मैं इतना ही डिस्टेंस वापस आ पाऊँगा. तो अभी के लिए मेरा डिस्टेंस फिर से उतना ही है डी, ठीक है. स्पीड मेरी 31x है, मुझे टाइम चाहिए है. टाइम का वैल्यू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो देखो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन 31x. डिस्टेंस क्या था? 41x इंटू 31/6. तो डिस्टेंस की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा मैं, 41x इंटू 31/6 डिवाइडेड बाय 31x था ये, ठीक है. तो 41x इंटू 31/6 इंटू 1/31 इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कटा और 31 कट गया, वो गलत काट दिया था मैंने. तो 41/6 आंसर आ रहा है इसका. तो 41/6 आर्स, ठीक है, पक्का. किसी को खुजली है, वो खुजली भी इसलिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है कि उसको आर्स एंड मिनट्स में लिखना है. तो मैं तुमको सिखाता हूँ 41/6 को आर्स एंड मिनट्स में कैसे आप डालोगे. डिवाइड किया मैंने पहले, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिकली 6 6 36, ये 5 हो गया है. तो इसको 6 + 5/6 लिखना पड़ेगा मुझे. तो ये 6 आर्स + 5/6 आर्स है. तो इसको मैं इंटू 60 कर लिया प्लस 50 मिनट्स. तो 6 आर्स 50 मिनट्स मेरा आंसर हो गया है. कंसेप्ट फुद्दू है, वो कैलकुलेशन में परेशान कर रहा है. पहले दो तो कुछ ज़्यादा फुद्दू थे, थर्ड वाला भी कंसेप्ट सिंपल था, कैलकुलेशन में उसने रुलाया. ठीक है यहाँ तक है. हाँ ये देख, ये प्लस ये अपॉन ये, ठीक है. तो गाइस ये हुए 3 एग्जांपल. आप अच्छा और नहीं ना. हाँ बेटा फट से पहले 3 एग्जांपल्स कर लो, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट. क्या मेरे भाई, उसके बाद घर नहीं बेटा. बेटा 5 मिनट आपके लिए तीनों एग्जांपल करने के लिए. थर्ड एग्जांपल ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, इसमें किसी में दम नहीं था क्वेश्चन में. पेज नंबर 17 है. थर्ड एग्जांपल में अटकोंगे, थोड़ा समय लेना पूछने के पहले, कोशिश करना. नहीं जमा तो मैं बताऊंगा, पर पहले खुद से कोशिश करना. क्या बच्चा, नई बुक का ही 17 था बच्चा पेज नंबर. एक अगेन कोई बच्चा ऐसा है जिसको बुक चाहिए है तो मेरे को एक बुक लाना बच्चा है, एक शॉर्ट हुई थी मेरी, तो मैं वैसे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ. कोई है नहीं, ठीक है फाइन. और सरीना वो बच्चा जो था एक मम्मा ने जिनका नंबर, जिनको नंबर दिया था, उसका नाम क्या था? नहीं तेरा नाम क्या है? शिफा को नहीं, एक अच्छा ठीक है शिफा, ठीक है. ये कोई लड़का था शायद से, एक और नहीं, फिर ऐसा हो सकता है मम्मा ने दिया हो, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ सॉरी. ठीक है बेटा, एक समय सुना नहीं बेटा क्या. हाँ ये बनता नेक्स्ट क्या था, बुहारी वाला समथिंग ना. हाँ मैं इसका ही पूछा था. मेरे को एक चीज़ और बताओ, एक क्या बहुत रैंडम स्टूपिड क्वेश्चन, अगर मुझसे कोई मेरा पेटीएम नंबर मांग रहा है और मेरा पेटीएम नहीं है तो क्या होता है? मैं मेरा गूगल पे नंबर दूँ तो पैसा आता है क्या? आता है ना बस हाँ. नहीं मैंने मेरा गूगल पे नंबर दिया, पैसा आएगा ना मेरा. हाँ ठीक है. नहीं भाई अभी भाई धंधा चल तो रहा भाई, आ तो रहा पैसा, ऐसा है.
मैं वो तू सोल्यूशन क्यों देखती उनका, तो तू सोल्यूशन तू फाइनल आंसर देखा करूंगा, सोल्यूशन मत देखा कर बेटा। मैंने वही देखो फॉर्मूले नहीं सिखाया जो उन्होंने यूज किए हुए हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ। अपना एक्स कुछ और है वाई कुछ और है, पर यू और वी मानते ही नहीं कोई चीज़ को लाइफ में। हाँ तो बस उसको डालेगी तू कहीं पे, वो एक ही क्वेश्चन में तेरे वाई आ जाएगा बेटा। नहीं वो एवरेज नहीं निकाल रहे है बेटा, वो एक्स प्लस वाई को यू मानते हैं, एक्स माइनस वाई को वी मानते हैं। तो यू प्लस वी कहेगा तो 2x हो रहा है, इसलिए तेरे को डिवाइड करना, तो इसलिए यू प्लस वी अपॉन टू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें मेरे को तो याद नहीं होती कभी भी यार। हाँ बेटा एक समय बेटा, क्या सेकेंड एग्जाम्पल में 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो दिया गया वो स्पीड नहीं है बेटा। देख अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा डेटा कभी भी, तो उसका SI यूनिट देखना, या यूनिट देखना आगे, सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर दिया गया मतलब डिस्टेंस है। हैड इट बीन किलोमीटर पर आवर देन इट वुड हैव बीन ये जो भी बोलते उसको स्पीड। एक संख्या हाँ बच्चा बोल। हाँ ओके ओके, तो तेरी स्पीड क्या क्या निकली, तेरी 3 और 5 तेरी काई की स्पीड निकली है, 5 तेरी है डाउनस्ट्रीम की स्पीड है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है तेरी, और अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई यानी 1 निकली है। अब एक्स और वाई निकाल दे, उसने कहते वाई की पूछा है। एक्स माइनस फाइव वाई 3, हाँ सर एक्स माइनस वाई को जो 3 आई, एक्स प्लस वाई को जो 5 आई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक्स को सॉल्व किया 4 आया, वाई को सॉल्व किया 1 आया, उसने आई थिंक वाई मांगा इधर से। क्या बचा, हाँ एस एक्स एक बार बच्चे लोगों को करने दे, मैं फिर बता देता हूँ। एक बार बच्चे लोग थर्ड अटेम्प्ट कर लो। तेरा एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई है, तेरे को पूछा क्या गया है बच्चा, ऑफ स्पीड ऑफ करंट इन स्ट्रीम, यानी वाई पूछा गया तेरे से, तो वाई का आंसर आखिर में कोट करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, एमसीक्यू रहेगा। तो ये नहीं अबे अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम नहीं, तब बात हो रही है कि इसे स्ट्रीम जो बह रही है। अपस्ट्रीम का मतलब ये नहीं था कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, स्ट्रीम का मतलब ये हो जाता है कि तू अपस्ट्रीम जा रही है या तू डाउनस्ट्रीम जा रही है। तब जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाता है, पानी तो नीचे ही बहेगा, पानी थोड़ी ऊपर चढ़ता है बेटा पार्क। ठीक है भाई, तुम लोगों को ये पता है तुम्हारा 12th का सैम्पल पेपर आ चुका है पहले ही, सैम्पल पेपर भी CBSE ने फटफट रिलीज सब कुछ कर दी इस बार बोर्ड्स का। हाँ सब कुछ उन्होंने पोर्शन भी डाल दिया पहले ही, और सैम्पल पेपर भी आ गया है, और कोई चेंजेस नहीं है पोर्शन में जो लास्ट टाइम था, और साथ में बोर्ड से पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो जैसा था वैसा ही एग्जैक्ट है इस बार भी। ठीक है ना, हाँ पेपर तो पेपर सेम ही बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनकी बम्बू लग गई थी याद रखना बस, तो वही मैथ्स में ही हो रहा, मुझे बच्चों का पता नहीं था।
हाँ अप्लाइड मैथ्स का पेपर बहुत इजी था, कैलकुलेशन में बहुत रुलाया बेटा। अगर उन लोगों को आधी घंटा और कैलकुलेटर देते तो हो जाता अच्छे तुम लोगों का। सर आई सपोज यस आई सपोज नहीं बोलते 41 था मुझे जो रटा रटा दिमाग में आ रहा है। एक सेकंड मैंने नहीं सुना दे रहा, एक बार हो जा। चलो गाइज एनी वन स्टिल अटेम्प्टिंग एग्जाम्पल नंबर 3 एंड वॉन्ट्स मी टू वेट फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन, तो आई वेट या मैं 4 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। सही वो और एक्स भी कहीं ना कहीं याद होगा ना यार। हाँ बोले तेरा भी वो है ना 36x/30 ए, ए, ए कैसा नाम पार्थ बोले को जो बोल रहा है डेटा 31/6 बहुत बढ़िया। हाँ एक्चुअली सही बोला तो इतना होता क्या है ना तो बीच बीच में था पक्का कौन है बेटा महात्मा अंदर ही रहते ये वो ही ना जैसे तू अकेले पढ़ता था पहले। हाँ वो नहीं एक्चुअली ऐसे ही रहता है और बोर्ड को देखते रहता है यार। चलिए लास्ट 2 मिनट्स है जो लोग एग्जाम्पल नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर अपन एक बार देखेंगे। जैन उसका मत देख, हाँ उसका मत देखना अगर उसका देखा था। हाँ सर उसका सरनेम जैन नहीं है, हाँ उसे स्कूल का नाम जैन है। अलॉन्ग द डिस्टेंस अलॉन्ग द करंट है ना, जिस जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उसी डायरेक्शन में तू जा रही है, मतलब डाउनस्ट्रीम जैसा हो जाता है, और अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड भी हो सकता है। हाँ तो यानी हाँ, तो कभी कभी एरोप्लेन केस में देते हैं ना तो विंड के डायरेक्शन या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ विंड बोल देता है वो, और वही साइकिलिंग के समय भी वही बोल देता है। ठीक है चलो 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 गाइस शांत अभी गाइस, मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो ये सिंपल था डाउन, देखो मेरा स्पीड अपस्ट्रीम और स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली बात चल रही है। ठीक है स्पीड अपस्ट्रीम कितना हो रहा है 31x आई सपोज, स्पीड डाउनस्ट्रीम हो रहा है 41x। यहाँ का डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है क्या? नहीं, मैं डिस्टेंस को डी माना है। यहाँ का टाइम मुझे दिया हुआ है कुछ 5 आवर्स दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का ही दिया ना, डाउनस्ट्रीम का दिया अपस्ट्रीम का दिया टाइम, आई एम सॉरी एक बार का फिर इसको ही पहले देखते हैं। डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना है मेरा डी मान लो, टाइम मेरा 5 आवर्स दिया हुआ है, 5 आवर्स 10 मिनट्स, तो पहले देखो 5 + 10/60 मतलब 31/6 आवर्स। अब मैंने रिलेशन निकाला डी और एक्स के बीच में, ठीक है ना, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम होता है मेरा, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, यहाँ तक है ठीक है। अब यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही है जितना यहाँ पर था, तो डिस्टेंस डायरेक्टली ये लिख लूँ मैं 41x / 31/6। अब यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 41x / 31/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/31x। तुम लोगों का कुछ अलग आया था, मैं वही बोल रहा था, तेरा भी गलत था ना, तो 41/6 आवर्स हो गया है। ठीक है विच बिकम 6 + 5/6 या फिर 6 आवर्स 50 मिनट्स, समझाई जी क्या हुआ है। आप वो एमसीक्यू रहा तो नहीं चलेगा क्योंकि तो ऑब्वियसली
नहीं तो इसमें रहा तो चल जाएगा। अच्छा हाँ बेटा नहीं सही में सही में मैं इसलिए नहीं कहा जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाला मैं समझा भी दूँ इक्वेशन बना भी दूँ तो सॉल्व करने को टाइम लगता है। ठीक है वो जो एग्जांपल नंबर 4 होमवर्क कुछ मत लो जिससे कल अपन लोग इसको पहले कंप्लीट कर ले फिर एक साथ पूरा करो होमवर्क दे दो तुम लोगों को। ठीक है ना अब एक जस्ट रिमाइंडर सो गाइस सैटरडे को आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो 12th वाले बच्चों के इसमें हमने मेजरली 11th वालों के इसमें भी देखा है पेरेंट्स नहीं आते रजिस्ट्रेशन के लिए वो पैसे भिजवा देते हैं। ठीक है तो अगर आप लोग बाय फ्राइडे इवनिंग भी लाओगे सेशन के ड्यूरिंग तो भी मुझे चल जाएगा और अगर आप लोग सैटरडे को लाना चाहते हो तो 9 to 9:30 मतलब हाफ एन आवर का हमने रखा है जो भी आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो प्लस अगर आप गूगल पे कर रहे हो तो घर बैठे भी कर सकते हो पेटीएम नंबर भी आप लोगों को पता ही है मेरा। हाँ नहीं सैटरडे को क्लास नहीं है वाले। ठीक है संडे को आप लोगों का टेस्ट है तो जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया जाए किया रहेगा उसका ये अजम्पशन है कि वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं बेटा फिर देखो होमवर्क मिल जाएगा थोड़ा ज़्यादा। ठीक है ना हाँ तो गाइस आप लोग अकॉर्डिंगली करेंगे तो मैं कल से एक बार रिसीप्ट बुक कैरी करना शुरू करूँगा जो भी होगा पेमेंट करेगा प्लीज़ याद से रिसीप्ट ले लीजिएगा अपनी। ठीक है चलिए।